ये रॉक्सी का हाई स्पीड कूलिंग फैन है, तो इसे किस प्रकार से फिट किया जाता है वो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। कि ये जो है इसमें नेट और ब्लेड है, और इसमें जो है इसमें मोटर है, तो इसको किस प्रकार से फिट करेंगे वो देख लीजिए। क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिशियन को बुलाइएगा तो इलेक्ट्रिशियन 200 रुपया लगभग ले लेगा आपसे ये फिट करने का। तो आप अगर देख लेंगे या जान जाएंगे किस प्रकार से फिट किया जाता है तो आपको 200 रुपया बच जाएगा। तो देखिए मैं किस प्रकार से फिट करता हूँ। तो ये जो है इसमें देखिए, ब्लेड है और एक इसका नॉब है और दो नेट है। तो इसको तो हम बाद में लेंगे, पहले हम इसे खोल लेते हैं। ये सेफ्टी के लिए दिया हो रहता है ताकि ब्रेकेज ना हो जाए। इसको निकाल लीजिए, यह है इसका मोटर। अब इस मोटर में देखिए ये कंडेंसर है, और कंडेंसर का इसमें वैल्यू भी दर्शाया हुआ नहीं है। कंपनी वाले ने ऐसे बना के रखे हैं कि जब भी ये कंडेंसर ख़राब होगा तो उसी के पास दुकान में या उसी के पास जाना पड़ेगा, जिसमें से कोई वैल्यू वैल्यू लिखा हुआ नहीं है। अब देखिए ये जो है ये मूव ऑटोमेटिक मूव नहीं करेगा, आपको हाथ से घुमाना पड़ेगा। ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे, और आप चाहिएगा तो इसे लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं। जैसे ये लेफ्ट हुआ ये राइट भी हो गया, आप जिधर चाहे उधर मूव करा सकते हैं। तो इसको अगर आप सीलिंग में, ये केबिन फैन है तो इसे आप सीलिंग में या वॉल में अगर फिट करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रू दिया हुआ है, 4 स्क्रू दिया हुआ है, वो आप फिट कर सकते हैं। तो फिट करने से पहले आपको इसे ही पूरा ये जो मोटर है मोटर को पहले फिट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नेट लगाना पड़ेगा। तो मैं पहले फिट करने से पहले आपको नेट लगाने के लिए दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से नेट लगाया जाता है। दो नेट है, एक नीचे लगेगा और दूसरा इसके ऊपर लगेगा। तो पहले नीचे वाला लगा देते हैं और उसके बाद इसके ऊपर से ये बेल्ट चलेगा। तो सबसे पहले ये नीचे वाला लगा देते हैं। तो नीचे वाला लगाने के लिए आपको यहाँ पर नट दिया हुआ है, 4 नट। ये 4 नट को पहले खोल लेना पड़ेगा। तो मैं इसे खोलता हूँ, ये ऊपर वाला नट ही सिर्फ खोलिएगा, ये 4 नट को आप खोल लीजिएगा। तो मैं खोल के दिखाता हूँ, मैं 4 नट को खोल लिया हूँ। अब मैं इसे सेट करूँगा, स्क्रू सब लगा दीजिए। देखिए ये फिट हो गया पूरा स्क्रू टाइट कर दिए नट। अब इसमें देखिए हाफ घाट बना हुआ है, ठीक, पंखे में भी हाफ घाट बना हुआ, पूरा राउंड नहीं है, यहाँ एक कटिंग है, उस कटिंग को इस कटिंग के अंदर में फिट कर दीजिएगा। ये देखिए जैसे ये फिट हो गया है, फिट हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, ये नॉब लगा देना है। अब इस नॉब को आपको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, जैसे ऐसे घुमाइएगा तो ये लगेगा नहीं, ये खुल रहा है। अब इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाइएगा तो ये लग जाएगा। जैसे ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसे ऊपर से फिट कर दीजिए, ऊपर से लगा दीजिए। लगाने के बाद ये बेल्ट आपको लगा देना है, बेल्ट को ढीला कर लेना पड़ेगा थोड़ा। पहले इसे चढ़ा लीजिए इस बेल्ट को, उसके बाद इसके ऊपर से इसे लगा देना है। अब चढ़ाने के बाद अब स्क्रू को टाइट कर दीजिएगा यहाँ से।
घुमा के देख लीजिएगा ठीक सही तरीके से फिट हुआ है कि नहीं। ठीक है फिट हो गया। हो गया फिट। अब मैं इसको थोड़ा घूम गया है। अच्छा इसको तो फिर खोल के आपको सेट करना पड़ेगा, उस समय मैं ठीक कर लूँगा सेट। इसका वायर कहाँ दिया। अब मैं इसका हवा दिखा देता हूँ। इसका हवा देख लीजिए कितना हाई स्पीड हवा है। अब मैं लेके चलता हूँ इसको, इसे फिर मैं खोल के आप लोगों को लेके चलूँगा इसे वॉल में, किस प्रकार से आप फिट कीजिएगा। ठीक है तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। मैं इसे खोल लिया हूँ। अब मैं इसे सीलिंग या वॉल में सेट करने जा रहा हूँ। तो कैसे सेट किया जाता है देखिए।